हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ ब्रेकफास्ट का। तो जिसके लिए आपको ना तो अलग से रोटी बनानी पड़ेगी और ना ही सब्जी बनाना पड़ेगा। दोनों चीज़ एक साथ में ही आप बना करके रेडी कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाला ब्रेकफास्ट है। बहुत चीज़ें क्या है, बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से बना करके देंगे उसे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। मैंने कुछ सब्जियां ली है, आप अपने हिसाब से जो पसंद है आपको आप वो ऐड कर सकते हो इसमें, और जो नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हो। मैंने क्या लिया है वो दिखाती हूँ आपको। ये गाजर लिया है एक बड़े साइज का, इसको बहुत ही बारीक पीस में कट किया हुआ है। आप जो भी चीज लेना उसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करना। पालक बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं, मेथी बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से बना करके दें ब्रेकफास्ट में, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप उसे क्या दे रहे हो। बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो मैंने थोड़ा सा पालक लिया है, थोड़ा सा कैबेज लिया है, पत्ता गोभी, थोड़ा सा मेथी लिया है, हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तीखा कम खाना पसंद करो तो कम ऐड करना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। और थोड़ा सा धनिया का पत्ता लिया है। 3 अंडे का यूज़ करूंगी। मसाले में मैंने थोड़ा सा मिर्च का पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून के जितना, और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है। थोड़ा सा दूध लिया है मैंने, आप चाहो तो दूध की जगह में पानी भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, आप ऑयल की जगह में घी या बटर का भी यूज कर सकते हो, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और ये अंडा जो लिया है हमने, ये अंडा फोड़ करके डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं, और ये जो मसाला लिया हल्दी पाउडर और मिर्च का पाउडर ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे, और अब ये दूध डाल देंगे। ये 250 ml के करीब दूध लिया है मैंने। और अब ये जितना सब्जी लिया है वो सारा सब्जी डाल देंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसे, और अब इसमें डालूंगी मैं ओट्स। तो 4 टीस्पून के करीब ओट्स डालना है। मिक्स कर लेंगे इसे, आप चाहो तो आटा भी यूज कर सकते हो ओट्स के जगह में। 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखेंगे। मिक्सर को 2 मिनट रेस्ट करके हो गया है, अभी गैस को ऑन करेंगे और एक तवा रखेंगे। तवा को हल्का सा गर्म करेंगे। तो तवा हल्का सा गर्म हो गया है, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का ब्रश कर देंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है, और थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। सभी साइड में इसको फैला लेंगे, बहुत मोटा लेयर नहीं। अभी फ्लेम को मैंने मीडियम करा है, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 1 से 2 मिनट पकाना है। उसके बाद फिर इसको फोल्ड करना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल का ब्रश साइड से कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने पका लिया है, अभी इसे टर्न करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये रेडी हो चुका है, मैंने इसे निकाल लिया है, और जितना भी मेरे पास में बचा हुआ बैटर था मैंने सभी को इसी तरह से रेडी कर लिया है। अभी इसे कट करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो आपको जितना बड़ा साइज चाहिए उतना बड़ा कट कर लीजिए इस तरह से। तो लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता बन करके रेडी है। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ में सर्व किया है, आप चाहो तो इसे ग्रीन चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। बनाएं और एंजॉय करें।